हमारे साथ शेखर तिवारी जी भी बने हुए हैं। शेखर तिवारी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब जबकि अब से कुछ देर बाद यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे, पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, भारत पर है खासतौर पर, क्योंकि अभी जब कल क्वाड की भी बैठक हुई तब उसमें बताया गया कि कैसे 1 बिलियन वैक्सीन डोजेज बनाने का जो लक्ष्य है उस पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें भारत अहम रोल निभा रहा है। क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, तो ये तमाम दुनिया में जो भारत की जिम्मेदारी है इस वक्त उसे किस तरह से निभा रहा है और किस तरह से उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाईलाइट करेंगे और इस वक्त दुनिया के लिए जरूरी है। देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग है बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है। जो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वो वाशिंगटन डीसी में थी, क्वाड की। ये पाकिस्तान के साथ जो पुराना झगड़ा है वो उससे भारत की गरिमा घटती है। ऐसे सवाल जवाब पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, वो खुद ही तबाह है टेररिज्म से। इमरान खान झूठ नहीं बोल रहे थे, उनके यहाँ भी एक तालिबान है, अब वो उनके वहाँ के लोगों को बम से उड़ाता रहता है। तो हमेशा पाकिस्तान के साथ जूझना भारत जैसे बड़े देश के लिए, जिसको दुनिया एक वर्ल्ड पावर की तरह देखना चाहती है, उचित नहीं है। ये भारत के साथ अच्छा नहीं है कि भारत को हमेशा पाकिस्तान के लेवल पर ला दिया जाए। देखिए, हिंद महासागर, जिस पर इंडो पैसिफिक ओशन में हिंद महासागर का मालिक भारत है जी। और दुनिया चाहती है कि भारत अपना स्थान बड़ा करे और इंडो पैसिफिक ओशन को की जिम्मेवारी ले, लेकिन वो भारत की डिप्लोमेसी और भारत की जो मीडिया है घसीट करके भारत को नीचे ले आती है, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही मैंने शुरुआत में कहा भी था शेखर तिवारी जी, यही मैंने शुरुआत में कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हम बिल्कुल ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उस स्तर पर जाएंगे, और ना उन्हें जवाब देने की जरूरत है इमरान खान के झूठ और प्रोपेगेंडा को, क्योंकि वो जवाब जो हमें देना था वो हमारी एक जूनियर ऑफिसर है स्नेहा दुबे, उन्होंने दे दिया, वही जवाब देने के लिए काफी थी इमरान खान को। इससे पहले भी भारत ने यही किया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।